Hi, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is part 6. So, this part we will continue our sculpting, which further our pieces were left hammer. Ke. So, let's get started. So, model is open already, and this concept is our. We will follow it as much as we can do it. We will see it, let's see. So, I will keep it on the other screen. और यहाँ तक हमने स्कल्प कर लिया था पहले सो ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो इस पीस को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल सबसे पहले हम बी फॉर ब्रश एंड टी फॉर ट्रिम डायनामिक बी टी डी ठीक है जी ट्रिम डायनामिक और सिमेट्री हमारी ऑलरेडी ऑन है अगर ऑन नहीं है तो एक्सप्रेस करने से ऑफ और ऑन हो जाएगी ठीक है तो इतना कोई इशू नहीं है और उसके बाद हम सिंपल इसको देखते हैं ये और ये एजेस जो इसके हैं वो इसके शार्पनेस हम ख़त्म करेंगे रैंडम स्ट्रोक्स लगाएंगे एक जैसा ना लगे कुछ भी ब्रश साइज भी थोड़ा सा छोटा बड़ा करेंगे साथ साथ ताकि जो है वो स्ट्रोक एक जैसे ना लगे हमारे देख लेंगे थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे थोड़ा सा ब्रश साइज लेट से बड़ा करते हैं और कंटिन्यू ट्रिम डायनामिक के साथ कंटिन्यू करेंगे ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये जगह भी जो है यहाँ भी ट्रिम डायनामिक से स्ट्रोक लगाएंगे ताकि इसकी जो शार्पनेस है किसी किसी जगह हम ब्रेक करते जाएंगे साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ऐसे ठीक है जी साइज छोटा करते हैं थोड़ा और यहाँ पे भी स्ट्रोक लगा देते हैं सही है और साइज बड़ा करके इसको स्मूथ करें अगर थोड़ा सा नहीं हमें ऐसे ही ठीक है और साइज छोटा कर लेते हैं इसको देख लेते हैं फर्दर यहाँ से ये जो है ब्रेक करेंगे ऐसे ही इसको भी और साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम और यहाँ भी स्ट्रोक लगा देंगे पूरी ब्रेक कर देते हैं सिमेट्री हमारी होना उसका फायदा ये है कि दूसरी तरफ हमें वर्क नहीं करना पड़ा साइज और इंटेंसिटी दोनों के साथ प्ले करेंगे बिल्कुल शार्प रह गई है इस तरह ये साइड बिल्कुल नहीं हुआ तो ये मेक श्योर करना है कि हमारी कोई साइड रह ना जाए ये कंटिन्यूटी लगे आर्ट में ये ना हो कि एक साइड वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है और दूसरी जो है वो नहीं है थोड़ा सा ये
जैगिन एस बी बीट में लेके आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक लगाएं। ऑब्वियसली अगर हम इसको थोड़ा सा रफ दिखा रहे हैं तो वो इस तरह तो नहीं होगा कि मशीनरी के साथ रफ हुआ है, कि बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए बीच में। ये काफ़ी इन्हेंस करती है आपका जो आर्ट है, आप ये बीच में जो ब्रेक करते हैं मोनोटनी। ये सिंपल आप रोटेट करते हुए, आप अगर ये रोटेट करें शिफ्ट प्रेस करेंगे तो जो क्लोज होगा उसका एंगल वहाँ पे वो स्नैप कर देगा। और देख लेते हैं इसको, ठीक है, सब जगह से हो गया है, मेक श्योर कर लेंगे। से इसकी ये जगह भी थोड़ी देख लेते हैं, इसको साइज बड़ा करते हैं और यहाँ भी देख लेते हैं। अभी कुछ एरियाज डैमेज कर देते हैं इस तरह, ऐसे ही कुछ एरियाज साइज थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह हम बॉटम साइड पे भी साइड रह गई है, इसको भी ऐसे ही। साइज ब्रश का काफी अच्छा है, इतना इससे जो है वो बुरा नहीं लग रहा। इसी तरह यहां भी स्ट्रोक लगा देंगे। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। आई थिंक काफी बेहतर हो गया। मेक श्योर करेंगे और कोई जगह रह तो नहीं गई, और वहां भी देख लेंगे उसे। सो लेट्स से कि ये काफी इतना के बाद इसको पकड़ते हैं। और ये चीज जो है ये वाली ये देते हैं इस पे। ऑब्वियसली के मैं इस पे मिशन भी पेंट करूंगा जिस तरह इस पे हुआ हुआ, काफी अच्छा लग रहा है। सो उसके लिए सिंपल मैं B4 ब्रशेस और यहाँ के लेट्स से स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। डॉट्स है यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा और अल्फा में आऊँगा और अल्फा में चूज करूँगा, काफ़ी अल्फाज हैं इसमें, चूज करते हैं और उसको ये चीज़ जो है वो देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा बेस्ट है। लेट्स से इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव ऑफ करूँ और इसको स्नैप करूँ, और ये देखें ये आप ड्रैग करें तो ये इस तरह का हो जाएगा कुछ, ठीक है। और अगर आप ऑल्ट प्रेस करें तो ये इंट्रूड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। तो
परसेप्टिव ऑन करते हैं और इसको देखते हैं ये कैसा लग रहा है। आई थिंक अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा था। बाकी जो फर्दर इसकी ये रह गई है कसर, ये हम पूरी कर देते हैं। यहाँ से ये और ब्रशेस हैं, ठीक है, तो इसमें से लेट से ये सिलेक्ट करते हैं और फर्दर इसके ऊपर आई थिंक ये नहीं क्रैक पकड़ते हैं, आई क्रैक उसके साथ अच्छा लग रहा है और उसकी इंटेंसिटी वगैरह के साथ अगर हम खेलें तो ये काफी अच्छी देगा लुक। लेट से हम ये सिलेक्ट करते हैं और इसके साथ प्ले करते हैं, इसका स्केल बड़ा करते हैं थोड़ा ये उससे ज़्यादा बेटर है। इसमें बेहतर चीज़ ये है कि ये एक जैसा स्ट्रोक नहीं लगाता, ये आगे से जाके स्क्वीज कर देता है जो चीज़ हमें फिलहाल चाहिए। ठीक है जी, इसको पकड़ते हैं, साइज आई थिंक थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं साइज थोड़ा। बाद में उसकी तरफ भी आते हैं हम जरा। स्मूथ करें तो ये जगह पे आ जाएगा अपनी। और स्मूथ में आए और सी इंटेंसिटी इसकी ये कम करें और आप ये स्मूथ इतना तेजी से नहीं करेगा। ठीक है जी, ये इसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा स्मूथ करेंगे बीच में ताकि ये सही तरीके से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रोक्स जो हैं वो एक जैसे लगे। सही है, ठीक है, इसको इस तरह स्मूथ करेंगे थोड़ा ताकि ये एक जैसे स्ट्रोक लगे। इसकी जिस तरह ये ज़्यादा शार्प लग रहे हैं और इसकी डेप्थ भी ज़्यादा लग रही है, तो ये चीज़ कंट्रोल करेंगे हम स्मूथ के साथ थोड़ी सी। इस तरह ये इसको थोड़ा सा कर देंगे इस तरह और जूम आउट करके इसको स्नैप करते हैं और देन अगेन जूम आउट करते हैं। आप ZBrush के भी अगर बेसिक्स चाहते हैं, कोर बेसिक्स बिगनर लेवल की, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इसकी भी एक सीरीज़ बना दूंगा, नो इशू। तो अभी ये है जो ये कंप्लीट लग रहा है, और जिस तरह ये है आपका, ऑब्वियसली हमने पैटर्न वगैरह वो तो फॉलो नहीं किया, हम मिक्सअप ही कर रहे हैं। जिस तरह ये चीज़ है, मैं इसको सोच रहा हूँ कि ये कंटिन्यूटी हो और ये यहाँ से ही निकल रहा हो कुछ, क्योंकि रिमेंबर के हाफ जो है इसका मॉडल हमारा है, बाकी का उसका मिरर है, तो
तो ऑब्वियसली जो हम इसीलिए मैं सिमेट्री जो है वो ऑन करके काम कर रहा हूँ, ताकि आप इधर जो करें वो एग्जैक्ट ऑब्वियसली आप दूसरी तरफ डिफरेंट भी कर देंगे तो फिर भी उसकी यूवी सेम है, तो वो दूसरी जगह भी वही अप्लाई होगा दूसरी तरफ भी। तो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है, तो उस हिसाब से ही मैं बनाना चाह रहा हूँ। सो ठीक है, ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। सो लेट्स से कि इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा हैमर का ये मॉडल है मेन वाला टॉप का ये जो पीस है। सो टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।